नेकी कर और दरिया में डाल, वही हो कर देता था, बट मेरे दिल से वो इंसानियत टोटली खत्म हो चुकी है। किसी की मदद नहीं करो, कोई मर रहा मरने दो, लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। और उधर आज का टाइम वो नहीं है कि तुम किसी की भी मदद करो, कि भाई उसकी हेल्प कर दो तुम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है तुम सबका मेरे एक नए व्लॉग में, और उम्मीद है तुम सब ठीक ही होंगे और ठीक ही होना चाहिए। तो आज का व्लॉग वगैरह कुछ दिखाने नहीं वाला व्लॉग में, बस एक सीख देने वाला हूँ तुम सबको, और अपने आप को भी मेरे को मिल चुकी है एक सीख। सो मैं तुम सबको भी वही सीख देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो भाई साहब, ज़माना है कलयुग। कलयुग तुम सबको पता ही है, जो लोग वीडियो पसंद करेंगे, सो ये वीडियो थोड़ी भाषण रहने वाला है, जस्ट लाइक भाषण रहने वाला, एक इंसिडेंट रहने वाला है जो मेरे साथ आज बीत चुका है। सो तुम सबके साथ शेयर कर दूं, ताकि तुम भी थोड़ा मैच्योरिटी आ जाओ, समझदार हो जाओ, और अपने आप को किसी की मदद के लिए अप्रोच कभी भी मत करो। यही बोलूंगा कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया कि किसी की मदद करने के लिए किसी को बोला कि तू उसकी हेल्प कर दे, तो वो सारा बर्डन का, जिसका बेचारे का, जिसको मैंने बोला, सारा प्रॉब्लम्स का जड़ वो बंदा बन गया। सो प्रॉब्लम ये थी कि एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया हमारे साथ, कि रात को कोई सीन क्रिएट वगैरह हो गया अपनी गली में। सो मैंने बोल दिया हेल्प करने के लिए कि भाई उसकी हेल्प कर दो तुम। तो भाई साहब, वो हेल्प करने के चक्कर में बंदे ने तो कर दी हेल्प, अपने से उसने की नेकी, नेकी इन द सेंस कि उसने को सोचा किसी का भला हो जाएगा। उसके बाद भी बीच वाली बात है जो मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता, खोलना बिल्कुल भी नहीं चाहता, ताकि लोगों को पता ना चले क्या सीन है क्या सीन नहीं है। जैसे दबी बातें वैसे दबी रहने दो, अपनी माइंड सोच चेंज कर लो। हर इंसान चोर नहीं हो सकता, हर इंसान डाकू नहीं हो सकता, हर लड़का रेपिस्ट नहीं हो सकता, और हर लड़का पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता। मतलब किसी का कुछ, पहले तो बिलीव नहीं करो, किसी पे भरोसा नहीं करो, फर्स्ट ऑफ द फन, कि कभी भी किसी पे भरोसा मत करो। अगर कुछ भी हो जाए ऐसे वैसे, आजकल तो आपको पता ही है, दिन दिहाड़े न्यूज़ें आती आ रही हैं सारी की सारी, तुम सब चेक करो वो न्यूज़ें, भाई तुम्हारा तो चेक करता था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो अपनी गली की बात है, मेरे को हेल्प कर देनी चाहिए। तो मैंने अपने से कोशिश की हेल्प करने की, पर लोगों की सोचों के ऊपर हम निर्भर करते हैं, क्योंकि आज का टाइम वो नहीं है कि तुम किसी की भी मदद करो। और ये स्पेशली यही ब्लॉग ये है कि किसी की भी मदद मत करो, कोई मर रहा है मरने दो, कोई जी रहा है जीने दो, तुम्हें किसी से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम किसी की मदद करोगे, कल का दिन चढ़ेगा या कल की रात चढ़ेगी, तुम किसी की मदद करोगे, हो सकता है ब्लेम तुम पर आ जाए सारा। आजकल तुम देखते हो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले अपने यूनिवर्सिटी के बाहर एक्सीडेंट हुआ था, तुम सबने देखा बंदे की टांग लटक रही थी, वो वीडियो देख के मेरे को भी मतलब कि ऐसा हुआ कि लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। और उधर जो भी लोग खड़े थे, मैं सबको थैंक यू सो मच बोलता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं वो, उन्होंने उसकी मदद नहीं की। हो सकता था उसके ऊपर सारा का सारा वो ब्लेम उसके सिर के ऊपर चढ़ जाता। तो कुछ ऐसा ही समझ लो मेरे साथ रात को हो चुका है, भाई मेरे साथ ही हुआ है, समझ लो मेरे साथ हुआ, मेरे भाई के साथ हुआ, मतलब किसी के साथ भी हो तो मेरे साथ हुआ, मतलब अपना कोई भी भाई है, प्रेमी है, यार है, दोस्त है, यहाँ तक कि सब्सक्राइबर भी है, यहाँ तक कि जो मैं फॉलो भी करता है, उसके साथ भी ऐसा हुआ। सो बुरा तो लगता ही है भाई, कि अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो लोग तुम्हें गलत बोले, ये तो बहुत ही ज़्यादा घटिया लगता है और बुरा लगता है। ठीक है, सबसे पहले अगर तुम किसी के नोन में हो, कोई भी तुम्हारा नोन है, उसको प्यार से बिठा कर उससे बात पूछो क्या प्रॉब्लम है। जब वो प्रॉब्लम तुम्हें कोई पूरी बताए, फिर उसका रिजल्ट निकालो। ये नहीं कि लोगों के भड़काव में आके तुम लोगों की बातें सुन के, झूठी रिकॉर्डिंग्स देखकर तुम किसी को ब्लेम कर दो कि तुम चोर हो या तुम ये हो, तुम किसी को जज नहीं कर सकते हो। क्या पता आने वाले 10 दिन के बाद वो बंदा जज बन जाए, क्या पता आने वाले साल के बाद वो बंदा IPS बन जाए, तुम किसी को जज नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो ऊपर वाला बैठ रहा है ना, नीली छतरी वाला, ये सब कुछ देख रहा है, सब नोटिस कर रहा है। सो ये इसी अकॉर्डिंग ब्लॉग था। सो किसी की भी मदद नहीं करो टोटल, कोई भी हो, माँ बाप तो चलो उनकी मदद क्या करनी है हमने, वो खुद हमारी मदद करते हैं, कोई भी हो, चचेरा भाई, मचेरा भाई, कुछ भी हो, कजन सजन, किसी की मदद नहीं करो। कोई मर रहा है मरने दो, कोई जी रहा है जीने दो, कुछ नहीं करो, इंसानियत टोटली खत्म कर दो, क्योंकि ये कलयुग का जमाना है। सो मेरे साथ रात को कुछ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। सो ये किसी के ऊपर ब्लेम नहीं था, ना किसी के लिए व्लॉग था, ये व्लॉग इसी अकॉर्डिंग था कि ये कलयुग है, किसी की हेल्प मत करो, कोई मर रहा है तुम्हारे सामने, मर जाए, जान निकल जाए उसकी, उसको पानी का घूंट भी मत पिलाओ। ये एक सीख दी आज दुनिया ने मुझे। मेरा ऐसा नेचर था कि कोई मेरे सामने कुछ किसी को हो जाता था, मेरे को उस पर दया आ जाती थी, मैं उसकी हेल्प कर देता था, बड़े बंदों की हेल्प कर देता था। मैं कभी अब कैमरे के सामने बोलने जाता, मैंने इसकी हेल्प की है, या मैंने म्यूजिक देख के किसी की हेल्प की है, मैंने किसी की हेल्प नहीं की, बट मैं कर देता था। बट मेरे दिल से वो इंसानियत टोटली खत्म हो चुकी।
आज के बाद वो इंसानियत मेरे दिल से खत्म हो चुकी है, और तुम सबको भी ये बोलता हूँ जल्दी से जल्दी वो इंसानियत खत्म कर दो। सो आज का व्लॉग इसी अकॉर्डिंग था, क्योंकि व्लॉग वगैरह मैंने जो शूट किया था वो डालने का मेरा मन नहीं था। मैंने सोचा एक प्यारा सा तुम सबको थॉट दे दूं, एक मोटिवेशन दे दूं। सो किसी की भी हेल्प मत करो आज के बाद। अभी जैसे तुम ये व्लॉग देखोगे ना, इस व्लॉग के एक सेकंड के बाद किसी की हेल्प करना बंद कर देना, जितना मर्जी सगा हो तुम्हारा। हो सकता है कल वो तुम पे उंगली उठा ले, क्योंकि जमाना कुछ हो रहा है, ये कलयुग है। और ये जो टाइटल रहेगा, इसका टाइटल ये रहेगा, नेकी कर और दरिया में डाल। वही हो चुका है तुम्हारे भाई के साथ फुल पावर। सो आज का व्लॉग यहाँ ही करते हैं एंड, मिलते हैं कल एक प्यारे से, खुशी से, हंसी से, मजे वाले व्लॉग के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। देन जय श्री राम।